वो यहां जो एक एक वर्ड लिखा हुआ है, जैसे जे लिखा हुआ है, तो जे में जुरिस्प्रूडेंस के जो जुरिस्ट होते हैं उनकी जो विचार होते हैं कौन कौन है। सबसे पहला जॉन ऑस्टिन है, आप सभी लोग जानते हो जॉन ऑस्टिन के बारे में आपको पढ़ना है। जॉन ऑस्टिन के बारे में क्या पढ़ना है, ये एनाटिकल स्कूल्स में आते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, क्या हालचाल है। और हमारे जो ये ट्रिकी लेक्चर हैं आप ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स का डिमांड है कि ऐसी वीडियो लाया जाए ताकि एक बार पढ़ें और जिंदगी भर याद हो जाए। जिंदगी भर एक बार पढ़ाई करो, लाइफ टाइम के लिए, आपको फिर दोबारा पढ़ना ना पड़े, याद ना करना पड़े। ऐसा ही मैंने ट्रिकी लेक्चर्स आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। कई घंटों तक मुझे सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, और मैं खोज करने के बाद में आपको ऐसा ट्रिक्स बता रहा हूँ कि आप चाहे तो NTA VGC नेट लॉ सब्जेक्ट में नेट और JRF दोनों क्लियर कर सकते हैं। MPPSC में जो जुडिशरी एग्जाम होती है उसमें भी ये काम आएगा। UPPSC जुडिशरी एग्जाम के लिए भी ये बहुत काम का है। आप LLB के स्टूडेंट हैं, BLLB के स्टूडेंट हैं और LLM के स्टूडेंट हैं, उसमें भी ये ट्रिकी बहुत काम आएगा। और आप एक बार इसको देख लीजिए, यदि आपको समझ में आ जाता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको पसंद आया। या फिर आप कमेंट्स में लिखिए कि हमको याद हो गया, ऐसा ही ट्रिक्स आगे बढ़ते चले जाएं, यानी कि सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, हर टॉपिक का जो है इसी तरह से ट्रिक के साथ में एक बार पढ़ाया जाए ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए। आज हम जुरिस्प्रूडेंस में स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस को कैसे ट्रिक के साथ में समझेंगे। पूरे जुरिस्प्रूडेंस को आप समझ सकते हैं। देखिए, जुरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, जे जू रिस, ये जुरिस है, फिर प्रूडेंस, प्रूडेंस ऐसा होता है स्पेलिंग। तो एक एक जो शब्द है जुरिस और प्रूडेंस को, यहां जो एक एक वर्ड लिखा हुआ है, जैसे जे लिखा हुआ है, तो जे में जुरिस्प्रूडेंस के जो जुरिस्ट होते हैं उनकी जो विचार होते हैं कौन कौन है। सबसे पहला जॉन ऑस्टिन है, आप सभी लोग जानते हो जॉन ऑस्टिन के बारे में आपको पढ़ना है। जॉन ऑस्टिन के बारे में क्या पढ़ना है, ये एनाटिकल स्कूल्स में आते हैं, एनाटिकल स्कूल में, ठीक है, विश्लेषणात्मक विचारधारा के विचारधारा के विचारक है ये, सबसे पहला पॉइंट जो है, ठीक है। और ये दूसरा क्या है, एम्पेरिटिकल स्कूल्स का है, एम्पेरिकल स्कूल यानी कि प्रमाणवाद विचारधारा का है। तीसरा पॉजिटिविज्म भी बोलते हैं, पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवादी विचारधारा के हैं, प्रत्यक्षवाद के विचारक हैं, ये आप लोग जानते हो ना। इसका कौन सा थ्योरी है, कमांड थ्योरी है ना, कमांड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है इसका जो है, यानी कि समादेश सिद्धांत। और आप जानते हो लॉ कैसा होना चाहिए, कहता है लॉ इज ए कमांड ऑफ सॉवरेन की बात करता है, कमांड ऑफ सॉवरेन यानी कि विधि संप्रभु के समादेश है, आप सभी लोग जानते हैं। दूसरा चीज है, इनको हम जो है इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस के जनक कहा जाता है, इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस के
जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, ये भी आपको पता है। कभी हम इस वीडियो को डिटेल के साथ में आपको ऑस्टिन की थ्योरी को जो है ठीक से समझाएंगे। पहले इतनी जान लीजिए, जे से पहला नाम आता है जॉन ऑस्टिन, फिर उसके बाद में जे में ही दूसरा नाम आता है, ठीक है, दूसरा नाम यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जोरेम या दूसरा नाम का है जॉन चिपमैन, चिपमैन ग्रे आता है। आप केवल अभी तक ग्रे की थ्योरी जानते थे, इसका नाम है जॉन चिपमैन ग्रे, एक प्रोफेसर थे। इनका विचारधारा क्या है देखते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा वो क्या कहना चाहता है। विधि वही है, विधि वही है जो न्यायाधीश बनाता है, या न्यायाधीश घोषित करते हैं। समझ में आ गया होगा शायद, मुझे लगता है, यानी ये किसके बारे में बात कर रहा है। विधि वही है जो न्यायाधीश घोषित करते हैं। फिर दूसरी बात इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न पूछा जाता है, विधायिका के कानून, विधायिका की जो विधि है, विधायिका की विधि को, विधायिका की विधि के मृत शब्द को, कि मृत शब्दों को न्यायाधीश जीवित करते हैं, ठीक है, न्यायाधीश जीवित करते हैं। यानी कि आप सभी को पता हो गया होगा जॉन चिपमैन ग्रे ये न्यायालय, न्यायाधीश और न्यायाधीश विधि, न्यायालय की विधि को ये स्वीकार करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि इनके लिए न्यायाधीश ही सब कुछ है, न्यायालय सब कुछ है, संप्रभु बात की बात है, ठीक है, संप्रभु के विधि को भी मान्यता देने वाले न्यायालय है, और न्यायालय के जो विधि है वो सबके लिए बाइंडिंग होता है। ये दूसरा जो है जे अक्षर से आ गया, और तीसरा जो है जेरोम फ्रैंक आता है, जे रोम फ्रैंक, देखिएगा ये आपके बुक में बहुत कम मिलता है, या लेक्चर सेक्चर्स में बहुत कम मिलता है जेरोम फ्रैंक के बारे में, ठीक है। जेरोम फ्रैंक जो है याद रखिएगा, इसका सबसे पहला है ये रियलिस्टिक व्यू के बारे में बात करते हैं, रियलिस्टिक व्यू, यथार्थवाद, यथार्थवादी विचारधारा है, ठीक है, जिसको हम लोग रियलिस्टिक व्यू कहते हैं। इसको आप लोग जो है जोरेम फ्रैंक जो है कोर्ट लॉ के बारे में बात करता है, कोर्ट लॉ, ऑस्टिन संप्रभु के बारे में बात करता है, और ये ग्रे और फ्रैंक कोर्ट लॉ के बारे में बात करता है, और दोनों विधायन है, लेजिस्लेशन है, याद रखिएगा। तो ये क्या कहता है देखते जाइएगा, पहला पॉइंट जो है इसका, पहला पॉइंट द मीनिंग ऑफ द लॉ, जो हम लोग बहुत बार प्रयोग करते हैं, हर चीज में प्रयोग करते हैं, मीनिंग ऑफ लॉ, यानी कि विधि का जो अर्थ होता है, वेरीज फ्रॉम, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। विधि का जो अर्थ है, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग थॉट्स होते हैं, ठीक है, एक थॉट दूसरे थॉट से नहीं मिल पाता है। और इन्होंने, फ्रैंक ने एक हाथी, एक विशाल हाथी को जो है देखने का अलग अलग दृष्टिकोण है लोगों की, कोई सामने भाग को देखता है और कहता है कि मैं अपने जीवन में ऐसा विशाल हाथी नहीं देखा,
यदि उनसे पूछा जाएगा कि हाथी आपने देखा है तो क्या चीज को देखा है, तो उन्होंने कहेगा अरे बाप रे इतना बड़े सूंड है, इतना बड़ा सूंड। ठीक है, उसकी नजरिया केवल उतने ही तक है। जब पीछे तरफ कोई व्यक्ति देखता है तो उनसे जब पूछा जाता है कि आपने क्या देखा, कहा कि बहुत विशाल हाथी है, इतना विशाल हाथी है, उसके बावजूद भी उसका पूंछ बहुत छोटा है, पूंछ इतना बड़ा नहीं है। किसी ने लेफ्ट साइड और राइट साइड को देखा, कहा कि हाथी का मैंने केवल दो पैर देखा है, लेकिन दोनों पैर जो है बहुत विशाल था, बहुत विशाल। ठीक है, दोनों तरफ के लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो भाग है वो यही कहेगा कि मैंने तो चार पैर नहीं देखा, केवल मैंने जो है दो पैर देखा। समझ आ रही मेरी बात? किसी ने हाथी के टांग से पार करने की कोशिश किया, ठीक है, पार करने की कोशिश किया, जब उनसे पूछा गया तो कहा कि क्या अनुभव रहा, कहा कि भाई ठीक है जबरदस्त अनुभव किया, जबरदस्त अनुभव, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई दरवाजा या खिड़की है, इतना विशाल है, एक पैर और पीछे पैर, यानी कि सामने का पैर और पीछे का पैर, जब उसकी चौड़ाई को देखेंगे जैसे कि हमारे मकान में ठीक है जैसे खिड़की दरवाजा होता है, उसी तरह से मुझे महसूस हुआ। तो कहने का तात्पर्य है, फ्रेंक कहता है विधि के अर्थ ठीक है लोगों के ऊपर निर्भर करता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा है। ये इनका पहला थॉट है। मैं जोरेम फ्रेंक का दूसरा पॉइंट भी बता देता हूं, शायद आपको जैसे ही इतने सारे चीजें आपको मिल रहा है। ये कहता है दोस्तों, दूसरी बात कहता है कि यहां पर जो है किसी न्यायाधीश के निर्णय, देखिएगा ये भी न्यायाधीश के बारे में बात कर रहा है, किसी न्यायाधीश के निर्णय किस पर निर्भर करता है भाई, है ये जो न्यायाधीश के निर्णय है उनके संपूर्ण व्यवहार का हिस्सा है, उनके संपूर्ण व्यवहार व्यवहारों का हिस्सा है। यानी कि कभी कई बार जो ऐसा कहते हैं कि यदि कोई जस्टिस घर से अपने माता पिता से या पत्नी से बच्चे से लड़कर आपिस आया होगा और जब वो जजमेंट सुनाएगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके व्यवहार का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, यदि कोई जस्टिस का तलाक का मामला है, पत्नी से उनका नहीं जम रहा है, तब तलाक का मामला जब सुनेगा तो उसके दिमाग में एक भर जाएगा कि हर बार महिलाएं दोषी होते हैं और पुरुष ठीक होते हैं, क्योंकि उनकी जो व्यवहार है, संपूर्ण व्यवहार है, न्यायाधीश के निर्णय में प्रभाव डालता है। ये फ्रेंक कहता है। इसका जो तीसरा कथन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान देना चाहिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया, ठीक है, निर्णय लेने की प्रक्रिया। जब निर्णय दिया जाता है न्यायालय के द्वारा, उसमें बहुत सारे कारक होते हैं, कारक, ठीक है, क्या क्या कारक होते हैं? पहला मनोवैज्ञानिक कारक होता है, मनोवैज्ञानिक कारक, ठीक है, दूसरा होता है पर्यावरणीय कारक, पर्यावरणीय कारक होता है, और तीसरा होता है सामाजिक और आर्थिक कारक होता है, ठीक है, सामाजिक आर्थिक कारक, ठीक है, आर्थिक कारक, और ये सभी का संयोजन होता है, सभी का संयोजन। जब भी निर्णय की प्रक्रिया चलती है इन सब बातों को ध्यान दिया जाता है, जैसे चोरी का मामला, ठीक है, क्या चोरी को फांसी की सजा दे देना चाहिए, क्या मृत्यु दंड की सजा देनी चाहिए, ठीक है, चोरी भी तो बहुत बड़े अपराध है, ठीक है, लेकिन नहीं दिया जाता,
उनको चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है, ठीक है, केवल चेतावनी देकर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह फ्रेम का कहना है, यानी कि जे में हम तीन बातें ले रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं जे के बाद में यू आता है, यू, यू से भी हम जो है बहुत कुछ समझ सकते हैं दोस्तों। अब यू आता है, यू में का कौन सा आता है, अल्पियन। आप जानते हो अल्पियन के बारे में मैंने पढ़ा चुका है, अल्पियन का जो विचार है, ठीक है, ये बात है, बात, कोई बात कैसे होता है, देवी बात होता है, देवी डिवाइन थिंक होता है, बात मतलब थिंक, देवी बात होता है या मानवी बात होता है, ये दो बातें, ह्यूमन, ह्यूमन थिंक होता है, मानवी होता है, और ये जो देवी और मानवी बात है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका जस्ट और अजस्ट होता है, जस्ट या अनजस्ट, यानी कि उचित और उचित और अनुचित का विज्ञान है। विज्ञान का मतलब होता है अध्ययन करना, क्रमबद्ध अध्ययन करना, उचित और अनुचित होता है, ठीक है, उचित या अनुचित। इसका कहने का मतलब क्या है, समझते हो आप लोग, जो है जो देवी बात होता है या तो वो जस्ट होगा या अनजस्ट होगा, जो मानवीय बात होगा या तो वो उचित होगा या तो अनुचित होगा। यदि इसका हम सिक्वेंस स्टडी करें तो उसी को हम लोग जुरिस्प्रूडेंस कहते हैं। ये अल्पियन का है, मुझे लगता है अल्पियन के भी बात को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं आर आता है, आर, ठीक है, आर आता है दूसरा, तीसरा पॉइंट है आर। आर से हम रास्को पाउंड को ले सकते हैं, रास्को पाउंड, ठीक है, और रास्को पाउंड की जो सिद्धांत है सोशल इंजीनियरिंग सिद्धांत है, आप सभी लोग जानते हो सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, यानी कि सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत है, ठीक है, ये थ्योरी रास्को पाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं आई का, आई, आई का भी यहां पर बहुत ज्यादा जुरिस्ट दिखने को मिलता है, इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट नाम सुने होंगे, केवल आप कांट जानते थे, अभी इमैनुअल कांट के बारे में, ये कैसा है, इसकी क्या थ्योरी है, यूनिवर्सल, ध्यान दीजिएगा ये सब चीजें पूछा जाता है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, एथिकल प्रिंसिपल, इसका जो है प्रिंसिपल मतलब सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है, नैतिक सिद्धांत के बारे में बात करता है, यह टोटल नैतिकता की बात करता है। देखिएगा यहां पर इसका सिद्धांत क्या करता है, ये जो नैतिक विधि होती है, नैतिक विधि, ठीक है, कैसे होती है, तर्क के आधार पर सत्य होती है, तर्क के आधार पर, तर्क में देखेंगे तो ये ट्रू होती है, यानी कि सत्य होती है, सत्य होती है, सबसे पहली बात तो ये कहता है, ठीक है। दूसरी बात कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो शासक हो, शासक हो या आम जनता हो, पब्लिक हो, जनता हो, सभी नैतिक विधि से बंधे रहते हैं, ठीक है, सभी नैतिक विधि से बंधे हुए हैं, ठीक है, नैतिक विधि के बारे में बात करते हैं, से बंधे होते हैं, बाइंडिंग है, ठीक है, इसके बारे में बात करता है। इसमें वो कहता है कि चाहे शासक हो, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, एक बात जरूर सोचना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति के
मन से, मुंह से निकलना चाहिए, विचार से निकलना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। एक अपराधी को भी यही सोचना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने ऐसे क्या कर दिया। यानी कि गिल्टी फील होनी चाहिए, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं क्या वो उचित है या अनुचित है। इसके बाद में इनका जो बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है वो कहता है कि आत्मा अमर है, ये आत्मा को अमर मानता है, ये दार्शनिक विचारधारा है, आत्मा अमर है, इसके बारे में बात करता है, ठीक है। उसके बाद में कहता है कि ईश्वर एक है, अलग अलग नहीं है, ईश्वर एक है। जैसे मानो सब एक है, मानो सब एक है, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी क्षेत्र में वो रहता हो, जैसे आत्मा एक है, जैसे मनुष्य एक है तो उसके आत्मा भी एक है और ईश्वर भी एक है। और इसमें बोलता है कि ये ईश्वर जो है दुनिया को बनाया है, ईश्वर ने दुनिया को बनाया, ठीक है, दुनिया को बनाया है, तो इसीलिए आपको विधि बनाने की जरूरत नहीं है, ईश्वर की विधि मौजूद है, ठीक है, ईश्वर की विधि भी मौजूद है, ईश्वर की विधि भी है, मौजूद है बोलता है, ठीक है, ये मौजूद है। यदि ईश्वर ने इसकी रचना की है तो ईश्वर ने सभी जीव जंतुओं, प्राणियों, मनुष्यों, ठीक है, कीट पतंगों, चाहे वो जीवित प्राणी हो चाहे अजीवित वस्तु हो, सब के लिए है, सब की रचना उसी ने किया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसने एक विधि बनाया है जो ईश्वरी विधि है। और वो कैसा है, ये याद रखिएगा, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल से चलता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर जूरी एक और बता देते हैं ताकि समय ज्यादा हो चुका है, मैं इसको दो भागों में बताऊंगा यदि आपको पसंद आ रहा होगा तो। और ये जो एस है, एस एस से हम सोशियोलॉजिकल स्कूल को पूरा पढ़ सकते हैं, देखिएगा, सोशियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल स्कूल। और सोशियोलॉजिकल स्कूल में सबसे जो बड़े आदमी है, दो लोग हैं, सर हेनरी मैन, ठीक है, सर हेनरी मैन, इसको मैंने बोलते हैं, इसको मैन, और दूसरा सेविनी की थॉट, ठीक है, सेविंगनी, इसको सेविनी कहा जाता है। देखिएगा तीनों चीजें जो है ऐसे आता है। सर हेनरी मैन क्या कहता है, सर हेनरी मैन, ठीक है, सर हेनरी मैन कहता है कि समाज दो तरह का होता है, एक स्टैटिक यानी कि स्थिर समाज होता है और दूसरा डायनेमिक सोसाइटी यानी कि परिवर्तनशील समाज होता है। यानी कि किसी भी समाज को स्टैटिक सोसाइटी नहीं होना चाहिए, उन्हें डायनेमिक सोसाइटी होना चाहिए जो परिवर्तनशील हो। यानी कि जब समाज परिवर्तनशील है तो विधि भी परिवर्तनशील है, ठीक है, विधि भी परिवर्तनशील है, लेकिन उसका जो परिवर्तन है वो पुराने चीजों को लेकर जो है चलती है। इसीलिए याद रखिएगा स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है इनका, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस थ्योरी है, व्यक्ति ने, ठीक है, व्यक्ति की जो सोच होती है स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट होती है, सोसाइटी की जो सोच होती है स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो इसीलिए कानून भी जो है स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, ठीक है, है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है सर हेनरी मैन की है, और सेविनी की थ्योरी आप जानते हो, सेविनी की थ्योरी, सेविनी की थ्योरी जो है लोक चेतना का सिद्धांत है, ठीक है, लोक चेतना का सिद्धांत यानी वाग्जिस्ट थ्योरी, ठीक है, वाग्जिस्ट थ्योरी जो है, ठीक है, यानी कि केवल लॉ बना देने मात्र से,
या 45 लाख को लागू कर देने मात्र से यदि ये समझ जाए कि विधि है बनाकर हमने अपने काम को पूरा कर दिया, लेकिन जब तक लोगों में लोक चेतना नहीं आएगी, वाग्जिष्ठ नहीं आएगी, तब तक कितना भी अच्छा विधायन हो या कितना ही खराब विधि हो, ठीक है, लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, लोग मानेंगे तभी जब लोक चेतना आएगी, और पुराने जो प्रथा हैं, पुराने जो परंपराएं हैं, पुराने जो रीति रिवाज हैं, जो उनके आदतें हैं, उनको सेक्योर करना चाहिए, उनमें बदलाव करना चाहिए, अच्छे और बुरे का अध्ययन करना चाहिए। यानी कि कोडिफाई लॉ बनाने के बजाय जो लोगों के रीति रिवाज है, लोगों की जो आदतें हैं, उन आदतों को परिवर्तित करना चाहिए, यानी कि बेहतर बनाकर जो है उन्हें लागू किया जाना चाहिए। और अचानक कोडिफाई लॉ लागू कर देने से, लोगों की लोक चेतना में कमी होने से समाज में बुराइयां आएगी। समाज उस कानून को मानने के लिए जो है यदि बाध्य होंगे, तब भी वो बाध्यकारी नहीं होंगे, वो उनके इच्छा पर निर्भर करता है। तो आज के लेक्चर में हम दो पार्ट में बताएंगे आपको, एक तो जूरिस और फिर दूसरा जो पार्ट है वो प्रूडेंस, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि आपको ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करके बताएं, कमेंट्स लिखें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे जैसे टीचर को जो है आपकी जो प्रशंसा है वो मोटिवेट होता है, मोटिवेट करता है, और फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो स्टडी करके इससे भी बेहतर वीडियो बनाएं और आपको जो है ठीक है ट्रिकी के माध्यम से याद करवाएं। तो दोस्तों जरूर 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 सेकंड वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।